सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मेरा इम्प्रेशन झलक का कुछ अलग था। मुझे लगा यू नो सब डांसर्स आते हैं उस पे, जो भी एक्ट्रेसेस भी जाते हैं वो सब डांसर्स हैं, बट आई एम नॉट अ डांसर, सो आई वाज लाइक ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, लाइक टू मीट द टीम एंड ऑल। आप काफी प्राउडली ये कहती है दैट यू नो दिस इज द काजोल एंड अजय सर एट द स्टार्स एंड यू नो आप अब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है, क्या किसी ने आपको ऐसा कम महसूस कराया है कभी? सो व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज फॉर द 2.5 मिनट्स माई फर्स्ट आई हैड टू लिटरली लाइक होल्ड माई सेल्फ एंड से टू माई सेल्फ नो तुम ये कर सकती हो। सो ये दिवाली झलक वाली, डोंट फॉरगेट टू वॉच अस ऑन द 11th एट 9:30 PM सैटरडे संडे। Be there. Hi, this is Tanisha Mukherjee and you're watching India Forums. Welcoming Janta's favorite, Tanisha Mukherjee, in conversation with me in India Forums. Tanisha, firstly, I would want to ask you, after a long break, fans were anticipating to see you on the screens. Kaisa lag raha hai with Jhalak? What was the deciding factor that you decided to do this? Honestly, mujhe pata bhi nahi ki kya deciding factor tha. It was just... मुझे कॉल आया कि जाओ मिलो टीम से, और मैंने कहा कि मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, यू नो, एंड आई थॉट मेरा इम्प्रेशन झलक का कुछ अलग था। मुझे लगा यू नो सब डांसर्स आते हैं उस पर, जो भी एक्ट्रेसेस भी जाते हैं वो सब डांसर्स हैं, बट आई एम नॉट अ डांसर, सो आई वाज लाइक ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, लाइक टू मीट द टीम एंड ऑल। तो ऑनेस्टली आई वॉज अ लिटिल वेरी कन्फ्यूज, लेकिन मेरे अंदर वो डिज़ायर है कि मैं डांस सीखूँ और मैं एक डांसर बनूं। सो ये मेरी इच्छा है कि आई होप दैट आफ्टर झलक आई बिकम अ डांसर, दैट आई एम यू नो आई कम आउट ऑफ झलक एज अ डांसर। वेल, हाउ वुड तनिषा डिस्क्राइब हर इक्वेशन विद डांस और एनी चाइल्डहुड मेमोरी दैट यू वांट टू शेयर विद अस? ओह, माय इक्वेशन विद डांस इज दैट व्हेनेवर आई आस्क फॉर डांस क्लासेस आई नेवर गॉट देम। मैं जब भी मम्मी को बोलती थी मुझे डांस क्लास में जाना है, मम्मी कहती थी नहीं नहीं नेक्स्ट ईयर, वो टालती रहती थी क्योंकि यू नो ऑनेस्टली काजल एक क्लास शुरू करती थी और उसको छोड़ देती थी, सो इट वॉज लाइक यू विल ऑल्सो बी द सेम, यू विल नेवर कम्प्लीट योर क्लासेस, सो आई ऑल्सो गॉट दिस थिंग वी जस्ट नेवर लैंड अप डूइंग डांस। सो माई इक्वेशन विद डांस इज दैट आई नेवर गॉट क्लासेस, सो आई हैव ऑलवेज जस्ट बीन दिस लाइक हैप्पी यू नो फन डांसर जो भी मूव टू द रिदम, बट नॉट लाइक अ प्रॉपर You know, dancer. जी, वेल तनिषा प्रभु में हमने ये देखा कि आप काफी प्राउडली ये कहती है दैट यू नो दिस इज द काजोल एंड अजय सर एट द स्टार्स एंड यू नो आप अब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। हम आपसे जानना चाहते हैं दैट वी फील वी लव द तनिषा दैट वी सी, सो व्हाट मेड यू से दैट, और यू नो क्या किसी ने आपको ऐसा कम महसूस कराया है कभी? नहीं, यू नो ऑनेस्टली एक चीज समझना चाहिए इज दैट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ स्टार, एंड मेरे फैमिली में माय डेफिनेशन ऑफ अ स्टार इज दैट इज यू नो जो जिसने इतना आई मीन अजय ने आई डोंट नो हाउ मेनी फिल्म्स किए हैं, काजल ने कितने फिल्म्स किए हैं, उन्होंने कितने सालों से काम किया है, एंड आई हैव नॉट रीच्ड दोज लेवल्स यू नो, सो फॉर मी दैट इज, और उन्होंने इतना प्यार कमाया है, गुडविल कमाया है, उन्होंने जस्ट दे रियली लाइक यू नो क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज, एंड फॉर मी वो मेरा डेफिनेशन है। भी कोई सुबह उठ के भी बोल सकता है कि आई एम अ स्टार, एवरीबडी हैज द राइट टू बी अ स्टार, बट फॉर मी मेरा डेफिनेशन इतना हाई है कि मुझे जैसे मैंने कहा वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, तो मेरे अंदर वो अब तक वो फीलिंग नहीं आई है कि यू नो शायद आफ्टर झलक इतना काम करने के बाद मे बी यू नो यू नेवर नो। या ऑल्सो तनिषा, how would you like to describe to our fans the first time that you stepped on the stage or your first performance? Oh my god, bahut scary tha kyunki filmon mein na hum shot lete hain and kabhi ek 2.5 minute ka gana complete without mistakes maine kabhi ye performance nahi kiya hai, like complete kyunki maine kabhi stage performances bhi nahi kiye the, as I said I never thought of myself as a dancer, so even in my films zyada maine film bhi nahi ki hai jahan maine gana ga ke nacha hai, you know that kind of thing. So when I went on stage for the 2.5 minutes my first I had to literally like hold myself and say to myself ki no tum ye kar sakti ho, tumhe karna hai, tum ye kar sakti ho, tumhe karna hai, tum ye kar sakti ho, that was my mantra in my mind, and फिर मैंने जाके जस्ट मैंने जो किया वो किया, अभी यू नो लाइक आप देखेंगे
मुझे पता भी नहीं. एंड वी आर वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव नेल्ड इट. लास्टली जनता ये जानती है दैट गौहर एंड यू वर लास्ट इन रियलिटी शो, जहाँ पे आप अच्छे टर्म्स पे नहीं थे. नाउ इतने साल बाद आप वापस एक रियलिटी शो में आए हैं. हाउ वाज दैट इक्वेशन? आई थिंक इट्स ग्रेट. And honestly, जो reality show पे हम थे, that was also a lot of it was created. Yeah. You know, तो हम personally हमारा कभी कोई issue नहीं रहा है. And we are actually great. And it's a very different show. So. Well, that's all that I had in store for you, Tanisha. Thank you so much. Thank all you. The best for Jhalak, Tanisha.